नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं निवृत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील की वागड़िया गांव और नवा गांव में अतिक्रमण हटाने आए सरदार सरोवर नर्मदा निगम के स्थानीय अधिकारी और गांव के लोगों के बीच आपस में बहस हो गई, जिसके कारण उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। इंडिया खबर लाइव के संवाददाता ने घटना स्थल पर जाकर अधिकारियों से और गांव के लोगों से पूरी घटना जानने का प्रयास किया। प्रस्तुत है केवड़िया गुजरात से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। मारु नाम तड़वी नीलेश कुमार महेश भाई है। अमारी दुकान हटावा माटे निगमना कर्मचारी आया था, काले पण आया था। ते दरमियान मारी मम्मी बेहोश थी गया था, तो ये गर्देश्वर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें सारवार में ने हजू भी एज हालत में है। ने निगमना कर्मचारी हम एवं कही गया है कि तमने नौकरी पर लगाड़ीशू, ने काले माटे बोलाया है अमने। मैं 5 वर्ष थी दुकान मांडू ने हमरा आईवा ने ते दुकान तोड़वा भाई जा ने आ टैचू बनाई वोन तीनों कई निशाने भी नहीं उठे। पहले ने मैं दुकान करूँ 5 वर्ष थे टन ठेका मैं दुकान बनाई पुल बनावा कर एम पुल थी खसाई रही मैंने एले मैं नीचे जाए नीचे थी पासी मैं ऊपर आई ने आ मोटी मोटी दुकानों बिल्डिंगों बनाई दीजो ता पासी थी आ बड़ी दुकानों हटावा भाई जा हमारा जमीन ना मिले अमी खाए हूँ। जिले के गर्देश्वर तहसील के वागड़िया गांव यहां पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारी दबान दूर करने के लिए आए हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, यहां पर गांव लोग और अधिकारियों के बीच बहस चल रही है। हालांकि यहां पर ये जो कामगिरी है वो पिछले 4 दिन से चल रही है, जिसके कारण यहां पर नर्मदा पुलिस भी परेशान हो रही है। आइए, हमारे साथ कुछ अधिकारी यहां पर जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? बोलो कलेक्टर साहब, क्या नाम है सर आपका? आपका नाम क्या है सर? हेलो सर, ये जो कामगिरी जो करने के लिए आए हो, किसके अनुमति से करने के लिए आए हो सर? आपकी भी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर जनता को सही बात बताना। जनता भी जानना चाहती है यहाँ पर ये जो दबाव करने की जो कामगिरी जो हो रही है वो किसकी अनुमति से हो रही है सर? सर आपकी जिम्मेदारी है जनता को बताना। जनता आपसे सवाल कर रही है यहाँ पर ये जो दबाव दूर करने की जो कामगिरी जो हो रही है वो किसकी अनुमति से हो रही है सर? हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर यहाँ पर आज ये जो दबाव दूर करने की जो कामगिरी हो रही है वो किसकी अनुमति से हो रही है सर? पिछले 4 दिनों से जनता आपसे ये सवाल कर रही है यहाँ पर, आप ये जो कामगिरी जो कर रहे हो सर वो किसकी अनुमति से कर रहे हो सर? पिछले 4 दिन से, हालांकि यहाँ पर मीडिया की टीम भी आपसे बार बार सवाल किया था, पिछले 2 दिन से सवाल किया था, हालांकि आप बताते हो सही बात बताना आपकी भी जिम्मेदारी है सर। जनता आपसे जानना चाहती है सर। गुजरात हाईकोर्ट में जो डिसीजन आयु, हाईकोर्ट डिसीजन अनुसंधान से बाकी कैसे गुजरात हाईकोर्ट का कैसा डिसीजन आया है सर? जुलाई पछी जो दवा दबाण थया इन्हें हटावा जुलाई। तो सर ये जो यहाँ पर अभी जो ये जो दुकान जो चल रही है, तो क्या ये आपका कहना ये है कि ये जो दुकानें जो है वो जुलाई 2019 के बाद बनी हुई है? इसे ऐसा ही हमारा नहीं, 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 नहीं। हमारे साथ यहाँ पर और एक गांव के आगे बन जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश भाई मानिक। कौन से गांव के हो आप? बागड़िया का। जी, यहाँ पर हमने सरदार सरोवर नर्मदा निगम के यहाँ पर एक अधिकारी से बातचीत की। अधिकारी का कहना है कि जुलाई 2019 के बाद जो भी यहाँ पर दबान है उसको हटाने के लिए हम निकले हैं, तो आज वो लोग यहाँ पर ये जो दुकान हटाने के लिए आए हैं, तो ये दुकान के बारे में आपका क्या कहना है? ये दुकानें कब खड़ी की गई थी और कितने साल से यहाँ पर चल रही है? कम से कम ये रोड का एक नक्शा भी नहीं था यहाँ पे। ये रोड का ये जो डबल रोड नहीं, पहला सिंगल रोड था। जब ये सरदार सरोवर डैम का बांध चल रहा था ना, तब से ये दुकानें यहाँ पर है। साबित कर ही बताओ आपके यहाँ पर कौन सी डेट में, अगर तुम लोग तो ये थे यहाँ पर दबान दूर करने के लिए आए हुए अधिकारी। यहाँ पर गांव लोग और उनके बीच आपस में बहस हो रही है, हमने जानने का प्रयास किया और गांव का भी यही कहना है कि हम यहाँ पर जो ये जो झंडा कर रहे हैं वो काफी सालों से कर रहे हैं और यहाँ पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम के स्थानिक अधिकारियों द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है। हालांकि पिछले 4 दिन से हम उनसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो ये दबान की जो कामगिरी दूर करने के लिए आए हो वो किसकी अनुमति से आए हो, लेकिन यहाँ पर स्थानिक अधिकारी कैमरा के सामने बताने के लिए मना कर रहे हैं और जगह छोड़कर भाग रहे हैं। क्या इन 6 गांव के असरग्रस्तों को न्याय मिलेगा और यह जो समस्या पिछले 4-5 दिनों से चल रही है उसका कोई निर्णय या उकेल आएगा? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।